मुझी भाकिर पिली आयो जग में, भाकिर पिली आयो जग में, हो गई अमर कहानी ओ गंगा रानी, जय हो गंगा रानी, गंगा रानी, जय हो गंगा रानी। भाकिर पिली आयो जग में, भाकिर पिली आयो जग में, हो गई अमर कहानी ओ गंगा रानी, जय हो गंगा रानी, ओ गंगा रानी, जय हो गंगा रानी। भजन की अंतिम पंक्तियां है, भागीरथ ले आयो जग में, हो भागीरथ ले आयो जग में, हो गई अमर कहानी ओ गंगा रानी। शेष बेटा सागर के होता हजार, अब हजार बेटा सागर रे, 60,000 पुत्र बताया राजा सागर रा, 8,000 तो घना बेनी पूरो शहर बने। अबे परिवार में 15-20 आदमी पहुंच गो तो रोक करो कैसा बहुमत हो, तो 60,000 बेटा अखे काली मोड़ दी राजा सागर की, और इन्होंने कोई ड्यूटी माते लगाओ, जॉब गार्ड बनाओ, नहीं तो वो आतंकवाद में क्यों। राजा सागर क्यों के रोज रोज एक नवो बेरो खोदो और वन्नो पानी लावे मन दातन कराओ,
उन्हें स्कीम बनाई, एक सकरी बनाई दी, जीर्णो वेनी मंथन करवारो, ये बोरिंग बनने माते बनी उड़ा, बोरिंग जीपीएस मशीन बनने देखे देखे बनाया, उन्हें राजा सागर रे बेटे एक सकरी बनाई और 8000 बेटो रे तो बोरिंग री जरूरत नहीं, एक पावड़ो पावड़ो धूड़ बारे लिए तो 2 घंटों में बेरो तैयार वे पौनी लावें तैयार आ पृथ्वी कोपाई मानवेगी। और भगवान विष्णु ने पुकार की थी कि रोज रो बेरो खोदेला मारी कोई अवाल वेला। भगवान पृथ्वी ने आदेश दियो कि काले बेरो खोदवा आवे पहला फाट दे परी ए 8000 माय आवे माता भेड़ी परी भेजी पापो पाप समाप्त। ऐसा ही हुआ, 60000 बेटोरी अदो गति वेगी है। वन राजा सगरी पेड़ी में राजा दिलीप हुआ और दिलीप रे बेटा हुआ राजा भागीरथ जने आ गंगा लाई और वन गंगा रे कारण थी आज ओपे ओपरा पित्रोरी ओपरे बेटा हुआ री गति करे दिया मोक्ष कर दिया। माली सवरलाल जी को भी याद करना पड़ेगा। थे तो धरणी पधार्या गंगा माती तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा। सभी लोग एक बार जयकार करें गंगा भैया की, बोले गंगा हरिद्वार की जय हो, उसका राज महाराज की जय हो। भागीरथ जन्मियो दिलीप राजा रे सगर कुल रे माँ, अरे भागीरथ जन्मियो दिलीप रे रे सगर कुल रे माँ, अरे गंगा लावण तपती हो रे, गंगा लावण तपती हो रे, भोले तपस्या रे माए त्रिवेणी थाने अर्ज करा। ये तो धरणी पधार्या गंगा माती त्रिवेणी थाने अर्ज करा। जब भक्ति की वही प्रसंग जो अभी जो भारती जी ने कहा, उन 60000 पुत्रों की मोक्ष करवाने हेतु गंगा जी की आवश्यकता हुई तो गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना आए, गंगा प्रसन्न हुई भगत पे दर्शन दीना आए, गंगा प्रसन्न हुई भगत पर दर्शन दीना आए, मैया दर्शन दीना आए, अरे मारे देख ले पुण्य के लारा देख ले पुण्य के लारे देख ले पुण्य के लार मैं जाऊँ तो साथल माए फिर भेड़ खाने अर्ज करा। मैं तो निमन करा और ये माने किंगा मैं हमें निमन करा। फिर तो धरनी पधार्या गंगा माती फिर मैं हमें निमन करा। भागीरथ ने भक्ति की, गंगा जी प्रसन्न हो गए, साक्षात दर्शन दे दिए और काए भागीरथ एक परेशानी है, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं मगर मेरा वेग जो है वो इतना तीव्र है, इतना तेज है, इतना प्रचंड है कि मैं अगर धरती पे आना चाहूंगी तो धरती पे नहीं रह के मैं रसातल में चली। अभी सोफा है भागीरथ ने क्या किया, भागीरथ शिवरी करी तपस्या,
भगीरथ शिवरी करी तपस्या राली जटा रे माय, भगीरथ तपस्या की शिवगिरी झिली जटा रे माय, भगीरथ शिवरी करी तपस्या। किस तरह से शिव जी की तपस्या की, ओ नमः शिवा, ओ नमः शिवा, अगर सच्चे मन से हो आपकी बात, निज मन से अगर भक्ति की, तो मैं इस बात को मीडिया के सामने और पूरे सभी बुजुर्गों के सामने कहना चाहूंगा कि एक ऐसी विपदा से मैं अभी निकला हूं। ये महेंद्र साहब को मालूम है, लगभग उसमें 10 महीने लग गए, और फिर भी वक्त आया, वक्त को गुजर गया, मगर हर विश्वास राख एक धारो सबको पूर्ण गिरधारी, हरदास सुदामा राख भरोसो कंचन मैल हुआ जाए। इसलिए और ये जो दांगड़ी रात है, गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना आए, गंगा प्रसन्न हुई भगत पे दर्शन दीना आए, अरे रेग ने कुनरो केला जाऊ रसा थल माए, तो जाऊ रे पियालो रे माई तिमें हमें निमन करा, तो आज की जो रात्रि है तुम जगा रहे हैं, तो गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जा, गंगा के वे हरिद्वार से कुंभ कलश ले जा, गंगा के यो हरिद्वार सो कुंभ कलश ले जा, गंगा के वे हरिद्वार से कुंभ कलश ले जा, अरे गंगा सुहायन रात जगाओ, गंगा सुहायन रात जगाओ, गंगा सुहायन रात जगाओ, शिवरी कटी हो जाए हो रहा है। ये जो सत्संग हम कर रहे हैं, डांगड़ी की सत्संग है, डांगड़ी में 7 पैर होते हैं, 7 खंड होते हैं। सर्वप्रथम राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई गई, तो तब से लेकर अब तक एक परंपरा बन गई। तो हमारे जोधपुर के बाली छवरलाल जी गहलोत, जिन्होंने इस रचना को लिखा, तो बाली छवर कहे गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, माली छवर के गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, अरे भाड़ी छवर कहे गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, माली छवर के पितरा सरगामा, अरे डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी रात मोक्ष करावे, अरे आवागमन मिट जाए तिरवेणी थाने निमणि करा, हे तो धरणी पधारा गंगा माते, तिरवेणी थाने निमणि करा, गंगा मैया थाने निमणि करा, निवण करा।